परफॉर्मेंस पे अगर किसी को सिलेक्ट करेंगे तो फिर अपने डोमेस्टिक लड़कों के साथ बड़ी ज्यादती होगी। ये नहीं है कि T20 के दो चार मैच दो चार रनिंग खेल के वो टीम में आ जाए, सिलेक्शन कमेटी उसको देखेगी विद परफॉर्मेंस, ना कि सिर्फ नाम के पीछे। मोहम्मद आमिर का कहाँ करियर देख रहे हैं? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अभी भी वो टॉप फाइव में है, मतलब बॉलिंग के लिहाज से अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या दोबारा जगह बना सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जगह क्यों नहीं बना सकते, लेकिन मेरा ज़रा मानना ज़रा अलग है। एक तो उसने रिटायरमेंट ली हुई है, एक तो उसको रिटायरमेंट, जैसे सेठी साहब ने कहा, रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी, और उसके बाद जो प्रोटोकॉल है डोमेस्टिक क्रिकेट के वो पूरे करने चाहिए, खेलना चाहिए, परफॉर्म करें, उसके बाद जो सिलेक्टर्स हैं वो देखेंगे सिलेक्शन। आप दूसरी लीगों की परफॉर्मेंस पे अगर किसी को सिलेक्ट करेंगे तो फिर अपने डोमेस्टिक लड़कों के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। जो एक तो डोमेस्टिक का सिस्टम हमने स्ट्रॉन्ग करना, प्रोसेस बेहतर करना, PCB ने कैसे सिलेक्शन करनी है, U19 को कैसे तैयार करना है, उसको क्रिकेट खिलानी, ना कि हम लोग हाई परफॉर्मेंस कैंप के जो कैंप लगा के वहाँ पे क्रिकेट सिखाए, जब तक वो ग्राउंड में स्पेंड टाइम नहीं करेगा, मैचेस नहीं खेलेगा, अच्छे वेन्यूज़ पे नहीं खेलेगा, अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं खेलेगा, उतनी देर सीखेगा नहीं। तो यही चीज़ें मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर को करनी पड़ेंगी। पहले तो वो रिटायरमेंट ले, फिर अगला सीज़न शुरू होगा और डोमेस्टिक खेले, अभी PSL खेल रहा है, वो भी पाकिस्तान की है, रिटायरमेंट वापस ले, फिर फोर डे क्रिकेट, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आए। अभी एज की, अभी जिमी एंडरसन 40-41 साल का हो गया, वो खेल रहा है, वो खेल सकता अपनी कंट्री के लिए, तो आप वाई नॉट आमिर, आप एक क्रिकेट को आप चूज़ करें। ठीक है, एज आपकी ज़्यादा हो जाए या फॉर्म ना हो तो फिर आप कह सकते हैं, तो आप ये डर रहे हैं कि लंबी क्रिकेट खेल के आप इंजरी की वजह से, फिटनेस की वजह से, फिर वो यंग प्लेयरों में एक मैसेज बड़ा गलत चला जाता है। तो वो जैसे वहाब ने ली है, ठीक है, वो 37 साल का हो गया है, वो समझता है कि मैं नहीं खेल सकता, तो भी ठीक है, उसका एक अंडरस्टैंडेबल है कि जो भी उसने रिटायरमेंट ली है, लेकिन आमिर टू यंग है, 27 साल की एज में टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ है। मैं खुद फ़ैन तो हूँ, लेकिन इस डिसीजन पर मैं खुश नहीं था, एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तान के लिए 13-14 साल हम लोग खेले हैं, तो अफसोस था पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब ये प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से पूरे करेगा तो डेफिनेट सिलेक्शन कमेटी उसको देखेगी विद परफॉर्मेंस, ना कि सिर्फ नाम के पीछे से। मैंने कहा ना कि आपने अपना क्राइटेरिया बेहतर करना है ना, वो है परफॉर्मेंस, वो है डोमेस्टिक क्रिकेट, वो ये नहीं है कि T20 के दो चार मैच दो चार रनिंग खेल के वो टीम में आ जाए, एक प्रॉपर पाथवे बनाना पड़ेगा सिलेक्शन का। कभी भी थोड़ा सा टफ होगा मोहम्मद आमिर के लिए, जैसे नसीम शाह, अभी शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ इनके होते हुए? देखिए, टफ की बात नहीं है, ये भी जो सारे खेल रहे हैं ये परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं, तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि थोड़ा सा लंबा खेल के जाए, जैसे मैंने अभी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो ज़रूर खेलनी चाहिए। अभी जिन प्लेयरों के आपने नाम लिए हैं, सिवाय शाहीन के, वो खेलने के बाद अब इंजर्ड हुआ है और उसको अभी वर्कलोड मैनेज नहीं किया, बाकी प्लेयर्स तो डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खेले नहीं है, तो अब इनको जो भी टाइम मिले अपनी एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलनी चाहिए, ना कि आप T20 की तरफ जाएं। लीग क्रिकेट में अगर आप रेगुलर पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं तो फिर आपको डोमेस्टिक खेलनी बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ नसीम शाह की फ़िटनेस का देखें, दो मैच खेलता है, पाँच मैच बाहर बैठ जाता है, चार मैचेस बाहर बैठ जाता है, नो डाउट बड़े ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन इनको मजबूत करना है, वो मजबूत उसी सूरत होंगे जब तक ग्राउंड में टाइम नहीं देंगे। चार ओवर्स करके फिट नहीं हो सकते, चार ओवर्स करके जिमी एंडर जैसे बॉलर नहीं बन सकते, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे, शुएब अख्तर जैसे बॉलर नहीं बन सकते, जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लंबे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू बनानी पड़ेगी और इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, वो ग्रास रूट लेवल पर करना पड़ेगा। ठीक है, T20 इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर एक सडन आपको टाइम रखना पड़ेगा T20 बच्चों को खिलाने के लिए। बाकी जो क्रिकेट है वो 3 डे है, 2 डे है, 1 डे क्रिकेट है, इनकी तरफ इनको बेहतर करना पड़ेगा। जब इनमें बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर T20 भी आ जाएगी। मिसाल हमारे सामने है, हाशिम आमला, बाकी जितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, सईद अनवर जब खेलते थे वो T20 थोड़ी इस वक्त आती थी, लेकिन उन्होंने अपनी 4 डे क्रिकेट, लंबी क्रिकेट खेल के, इमरान नज़ीर T20 खेल के थोड़ी आया था, वो डोमेस्टिक खेल के आया था शॉर्ट्स दे के। तो यही एक फ़ायदा है लंबी क्रिकेट का, तो ये मेरे ख्याल PCB को, मैनेजमेंट को इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा।